हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है स्पेशल ओपीएस। इस सीरीज को डायरेक्ट किया नीरज पांडे और शिवम नायर ने। इस सीरीज में आपको तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में है। और कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में मेन रोल प्ले किए के मेनन, विनय पाठक, करण टक्कर और सज्जाद दिलफरोज ने। उसके अलावा और भी एक्टर्स हैं यहाँ पर। खैर, इस सीरीज की कहानी बताने से पहले आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मेन इंसिडेंट जो हमारे इंडिया में हुए, जैसे कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक था और 26/11 में ताज का हमला, या तो फिर एक ऐसा अटैक, वो अटैक नहीं था, वो हार्ट अटैक था लोगों के लिए, वो था डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। कुछ लोगों ने नोटबंदी में अपने ब्लैक मनी को व्हाइट भी कर दिया। वो कैसा करे, वो तो झोल झाल के वीडियोस तो पहले आ चुके थे। खैर, हमारी सीरीज इस टॉपिक पर नहीं है, हम लोग बात करेंगे इसकी कहानी की। तो कहानी शुरू होती है के मैंने यानी कि हिम्मत सिंह से, जो कि एक रॉ के एजेंट है और तकरीबन 19 साल में उन्होंने गवर्नमेंट के 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो 28 करोड़ रुपए उन्होंने कहां पर खर्च किए, इस पर उन पर एक इंक्वायरी बैठी है। तो इस इंक्वायरी में वो बताते कि वो अलग अलग मिशन पे खर्चा किया और अलग अलग एजेंट्स पे खर्चा किया। खैर, इस सीरीज की कहानी बता दो, कहानी शुरू होती है पार्लियामेंट अटैक पे, जहां पर लोगों की नजर में और दुनिया की नजर में सिर्फ 5 ही आतंकवादी होते थे, लेकिन हिम्मत सिंह की बात माने तो वहां पर 6 आतंकवादी थे और वो छठे आतंकवादी का नाम था इकलाक खान। तो बस वो इकलाक खान को वो 19 सालों से ढूंढ रहा है। अब क्या फाइनली इकलाक खान को वो ढूंढ पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है स्पेशल ओपीएस। अब मैं आपको बताता हूं इस सीरीज की क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करें के मेनन से। तो के मेनन का जो रोल है वो इस तरीके के रोल में बहुत अच्छे लगते हैं। सीरीज में भी उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन यहां पर आपको के मेनन की जो पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिलते, जैसे कि उनकी बेटी और उनकी वाइफ के बारे में, वो भी एक अलग ही अंदाज है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा एजेंट जो इंडिया की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसको अपनी फैमिली की भी बहुत ज्यादा फिकर है और वो किस तरह से अपनी बेटी पर ध्यान दे रहा है, किस तरह से उसका केयर कर रहा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा, ये सब कुछ देख के सीरीज में बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा करण टक्कर की बात करो तो करण टक्कर का यहाँ पर बहुत ही मेजर रोल है। मैं इतना कह सकता कि उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला और इस सीरीज के बाद उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में एक अच्छा काम करके दिखाया जो कि डेफिनेटली आगे चल के उनको बहुत सारा काम दिलाने वाला है। उसके अलावा नीरज पांडे की सीरीज की बात करें तो उनकी बेबी या ए वेनेसडे, वो फिल्मों की आपको याद आती है जब आप सीरीज देखोगे तो। और कुल मिला के जो दूसरे एजेंट्स का रोल प्ले गए, उनका काम ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा कुछ स्क्रीन टाइम नहीं मिली उनको, मगर जितनी ही अच्छा है। विनय पाठक की बात करें तो विनय पाठक का भी रोल ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना भी रोल है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया और मुझे पर्सनली विनय पाठक बहुत पसंद है। और सज्जाद दिलफरोज जिन्होंने यहाँ पर हफीज का रोल प्ले किया, तो भाई टाइगर जिंदा है में जिस तरह से उन्होंने अबू हसन का रोल प्ले किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में, उससे हटकर और उससे ज्यादा अच्छा यहाँ पर रोल प्ले किया हफीज का। और मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसे विलन है, वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी विलन का रोल इजीली कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको इस हफ्ते आराम से देखनी चाहिए, डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज वाकई में वॉचेबल सीरीज है। हाँ, ये सीरीज की अगर एक चीज बोलूं तो जो एपिसोड्स की लेंथ है, अगर इसके 40-40 मिनट के एपिसोड होते तो और ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कुल मिला के जो थ्रिल, जो सस्पेंस जो होना चाहिए था वो बिल्कुल बरकरार रहता है और एंड तक आप गैस करते हो तो आखिर में एंड में होने क्या वाला है। तो ये सब कुछ आपका ये सीरीज में देखने का जो मजा है वो बरकरार रखता है। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी छोटा सा इतना सा भी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस सीरीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका है। मैंने हर प्रीवियस सीरीज में भी यही बोला है कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहां पर आपको जवाब दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि सिंह और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। दुआ में याद रखना।